The Rock Demon of Ice Country. ये वही कैट टाउन है और हर बार की तरह आज का दिन भी शानदार ही होगा। है? पर ये क्या? आज की सुबह काफी अजीब है। आखिर कैट टाउन में ऐसा क्या होने वाला है? आइए देखते हैं इस एपिसोड में। दोस्तों, आज हमारे कैट टाउन में भारी बर्फ गिर रही है। ऐसी बर्फ पहले कभी नहीं गिरी। हमेशा यहाँ रॉक डिमन की वजह से ही बर्फ पड़ती थी, पर इस बार इतनी ज्यादा बर्फ का पड़ना काफी अजीब है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, सभी के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही है। ओहो, कितनी बर्फ है। समझ गया, अगर मैं उस रॉक डीमन को पकड़ लूं और ये स्नोफॉल रुकवा दूं, तब मैं जरूर मशहूर बन जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्कूल से छुट्टी मिल गई, पर मुझसे ये ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुमने ठीक कहा। मुझे लगता है रॉक डीमन में कुछ प्रॉब्लम है। वैसे सच कहूँ तो ये एक तरह का मौसमी बदलाव है। मेरे साथ आओ, चलकर इसकी बारीकी से जांच करते हैं। ये हवा में उड़ने वाला गुब्बारा मौसम की जानकारी हासिल करेगा। चलो इसे उड़ाते हैं, जिससे हमें इस खराब मौसम की जानकारी मिल सकती है। अब ये अपना काम करेगा। तो आइस कंट्री यहाँ से शुरू होती है। इसका मतलब अब ठंड और बढ़ेगी। आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं तो ये सब मशहूर होने के लिए कर रहा हूँ। मुझे मशहूर बनना है। न्यास सर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? ये क्या बदतमीजी है? क्या वो मुझे एक्सक्यूज भी नहीं कह सकता था? सर, वो मुझे फिफी पेंगुइन जैसी दिखती हो। क्या तुम मेरे भाई के दोस्त हो? मालूम है, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई। हाँ, मेरा नाम कौन है और ये नियॉन सर है जो मशहूर होना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम भी आइस कंट्री की तरफ जा रही हो? दरअसल मेरे भाई को बहुत तेज बुखार हो गया है। बुखार है तो इसमें क्या बड़ी बात है? दरअसल मेरा भाई किसी भी कीमत पर हो प्रीस्ट का स्टूडेंट बनना चाहता था। तो हो प्रीस्ट ने उससे बहुत मुश्किल सवाल पूछा। वो इतने मुश्किल थे कि सोचते सोचते मेरे भाई को बहुत तेज बुखार हो गया और वो बीमार पड़ गया। तो फिर आइस कंट्री जाने की बजाय तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए। हो प्रीस्ट ने मुझे कहा कि अगर मैं आइस कंट्री से सबसे ठंडी आइस लाकर उसके माथे पर रखूंगी तो उसका बुखार उतर जाएगा। अब समझी, तो तुम इसलिए वहाँ जा रही हो? कौन, चलो चले। नहीं सर, जरा रुक जाइए। क्यों ना हम बीबी को के साथ इस कंट्री चले? हाँ, अगर हम इसके साथ जाएंगे तो हमारा काफी वक्त बर्बाद हो जाएगा। ठीक लग रही है, इसके साथ चलते हैं। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। दुखी मत होइए सर। अच्छा बीबी को हम चलते हैं। बाय बाय बाय। हाँ, आखिर वो रॉक डीमन कहाँ गायब हो गया है? पता नहीं सर, जरूर यही कहीं छुपा होगा। देखो, ये तो वही पिपीफी पेंगुइन की बहन पिपी को है। देखो, वो आइस के टुकड़े पर बैठकर नदी पार कर रही है। हे कौन, तुम भी आइस के टुकड़े पर आ जाओ, फिर हम मिलकर नदी पार कर लेंगे। आओ ना। अच्छा आइडिया है सर, चलिए हम भी चलते हैं। मैं इस आइस के टुकड़े पर बिल्कुल नहीं आना चाहता था।
ठंड है पर मुझे सबसे मशहूर बनना है कान। चलो जल्दी से अपना काम करें। ठीक है नियॉन सर, पर इनमें से सबसे ठंडी आइस कौन सी है? वो सब छोड़ो, पहले हमें रॉक डीमन को ढूंढना है। सर मशहूर होने के लिए छोटे मोटे काम करना भी जरूरी होता है। शायद, पर हम सबसे ठंडी आइस ढूंढेंगे कैसे? यहाँ तो सब कुछ एक जैसा ही है। अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर मिल जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। शांत हो जाइए, इतनी ठंड में कभी भी हल हो जाएगा। आओ देखो यही रॉक डीमन है कौन। जल्दी कैमरा लेकर आओ, इसकी फोटो खींचो। तुमने ठीक से फोटो खींची ना? हाँ सर, मैंने खींची। चलो वापस चले। हाँ, पर अभी हमें सबसे ठंडी आइस ढूंढनी है। और क्या? आखिर क्या हुआ होगा? कुछ खराबी होगी। मुझे अपनी फोटो जल्द से जल्द टीवी ऑफिस ले जानी होगी। अगर हम जल्दी हाथ चलाएं तो सबसे ठंडी आइस को ढूंढ सकते हैं। अब हाँ, मुझे लगता है यही सबसे ठंडी आइस होगी। ये क्या? ये असली रॉक डीमन है, अब मैं क्या करूँ? मुझे नींद से उठाने की हिम्मत किसने की? अभी तो मेरे उठने का वक्त भी नहीं हुआ। कौन, जल्दी से और फोटोज खींचो। ठीक है, क्या करूं सर, रोल खत्म हो गया। संभल के सर, संभल के। बहुत बच गए। मुझसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है। मुझे लगता है हमारा हवा में उड़ने वाला गुब्बारा फट गया है, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ काम याद आया, फिर मिलेंगे। सुनो न्यागो, अरे संभल कर जाना वरना फिसल जाओगे। तुम सब भागो यहाँ से, वैसे भी इन हिचकियों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा। तो ये हिचकियों की आवाज आपकी है? मेरी नहीं तो क्या तुम्हारी है? जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ। ये मैं सहन नहीं कर सकता। मैं रोकूंगा तुम्हारी हिचकियाँ। अब बताओ क्या तुम्हारी हिचकियाँ रुक गई? अरे हाँ, ये तो रुक गई। रॉक डीमन, क्या तुम बता सकते हो कि मुझे सबसे ठंडी आइस कहाँ मिलेगी? हाँ ये तो आसान है, मैं तुम्हें ठंडी आइस दूंगा। देखो भैया, मैं सबसे ठंडी आइस ले आई, अब तुम ठीक हो जाओगे। वाह, मेरा भैया ठीक हो गया। दोस्तों, फिर से सुनहरे दिन लौट आए क्योंकि कैक टाउन में बर्फ पड़नी बंद हो गई है। अजीबोगरीब बर्फ पड़ने का कारण थी रॉक डीमन की हिचकियाँ। नकाबपोश नियंडर ने रॉक डीमन की हिचकियाँ रोकने में मदद की और वो पहुँच गए हैं फिर से नंबर 1 पर। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो, 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 तो,
पता नहीं पर कैसे रॉक डीमन की हिचकियों की बीमारी नियन को लग गई और दिनों की तरह आज का दिन भी काफी रोमांचकारी था। पर आगे क्या होगा ये देखने के लिए इंतजार कीजिए अगली कहानी।